हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग वन शॉर्ट सीरीज में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप 16 लेकर के आए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालकोजन बोलते हैं या फिर ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में एक से लेके दो क्वेश्चन गारंटीड आते हैं। ठीक है, दो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखिए और अपने एक से लेके दो क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, पक्के कर दीजिए। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? ग्रुप 16। ठीक है, कौन सी फैमिली है? ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालकोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालकोजन। अब इसको चालकोजन क्यों बोलते हैं बताएंगे। अब ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है? एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम और पोलोनियम। और जो पोलोनियम होता है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। तो बेसिकली हम लोग किन की बात करेंगे? ये चार की बात करेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलूरियम की। ठीक है ना। अब बात यह है कि इनको ग्रुप 16 को हम लोग चालकोजन क्यों बोलते हैं। तो देखो, एक चीज है कि मोस्ट ऑफ दी जो ओर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ दी ओर्स वो कौन कौन से होते हैं? ऑक्साइड और सल्फाइड होते हैं। अर्थ में हमको जो मोस्ट ऑफ दी ओर्स मिलेंगे वो कौन सी फॉर्म में होंगे? ऑक्साइड में और सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब ये ऑक्साइड और सल्फाइड यानी ऑक्सीजन और सल्फर उन ओर के साथ में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं ना। तो इसका मतलब मैं बोल दूं कि दीज आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म ओर्स, या मैं बोल दूं दीज आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो देखो, चालको का जो मतलब होता है, चालको, चालको का मतलब क्या होता है? ओर। और जन का मतलब आप जानते हो, जनरेटर या फिर फॉर्मिंग। तो दीज चालकोजन मींस क्या हुआ? दीज आर द ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स है दैट्स व्हाई इनको हम लोग क्या बोलते हैं? चालकोजन बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी ओर्स आर ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड। ये बात क्लियर है। चलो, अब उसके बाद हम आते हैं मेन किसके ऊपर, कि नीट में और जेई मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि हम लोग वन शॉट में जा रहे हैं। ठीक है ना। तो भैया बात ऐसा है, मैं उसी हिसाब से पहले आपको कराऊं जिस हिसाब से एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस हिसाब से अगर मैं आपको कराऊं तो भैया सबसे पहले तो देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। क्या नाम है इसका? ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। कि सल्फर है एक लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है। और ऑक्सो एसिड को सिंप्लीफाई में आप क्या समझ सकते हो? ऑक्सो यानी ऑक्सीजन लगा और एसिड यानी एच हाइड्रोजन लगा, एच पॉजिटिव लगा। ठीक है, और ऑक्सो एसिड कौन फॉर्म करता है? कौन फॉर्म करता है? नॉन मेटल्स फॉर्म करते हैं। क्लियर बात है। ठीक है, तो हम एक सल्फर के जो ऑक्सो एसिड है उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि उनमें किस टाइप के बॉन्ड आते हैं, क्या है कैसे है। ठीक है, तो देखो अब ऑक्सो एसिड में, ठीक है, तो पहले पॉइंट तो ये है कि सल्फर में अगर किसी ऑक्सो एसिड में सल्फर और सल्फर का बॉन्ड आता है, अगर किसी ऑक्सो एसिड में सल्फर और सल्फर का बॉन्ड आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थायो एसिड बोलेंगे। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? थायो एसिड। क्लियर बात है। दूसरा पॉइंट याद रखने वाला यह है कि ऑक्सो एसिड में अगर सल्फर अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या होता है? अस सीरीज का होता है, ओ यू एस, अस सीरीज का। ठीक है, ओके, सल्फर इज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इफ सल्फर इज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, कहां पर? इन ऑक्सो एसिड में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो अस सीरीज का है। ठीक है, क्या है? अस सीरीज। जैसे सल्फ्यूरस एसिड हुआ तो नेम के एंड में क्या आया? अस एसिड आया। ठीक है ना। चलो, और अगर इफ सल्फर इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो कौन सी सीरीज का होता है? वो अक्सिक सीरीज का होता है। वो क्या होता है? एक सीरीज का। तो लोअर में मैं आपको बता दूं कि अगर सल्फर मान लो आपके पास प्लस वन हुआ, प्लस थ्री हुआ, प्लस फोर हुआ, अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऑक्सो एसिड में प्लस वन, प्लस थ्री, प्लस फोर हुआ, तो उस ऑक्सो एसिड के नेम के एंड में क्या आता है? अस आता है, अस एसिड, तो वो अस सीरीज का हो गया। और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वो प्लस फाइव हुआ या प्लस सिक्स हुआ, कौन? सल्फर, तो वो कौन सी सीरीज में आता है? एक
सीरीज में, तो नेम के एंड में क्या लगता है उसके, एक एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर कहानी, तो हम इसके बारे में आज तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, पॉइंट आप अच्छे से लिख लीजिए टाइम टू टाइम। सबसे पहले देखो हम इन एसिड्स की बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला टाइप है, तो पहला टाइप कौन सा आता है, सल्फ्यूरस एसिड टाइप वाला। पहला टाइप कौन सा आता है, सल्फ्यूरस एसिड टाइप, और उसके अंदर एग्जांपल कौन कौन से हैं। पहला एग्जांपल ले लेंगे हम लोग क्या, H2SO3। क्या लिया हम लोगों ने, H2SO3। H2SO3 का नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और इस H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, अभी ये बताओ। देखो एक ऑक्सीजन -2, तीन पे कितना हुआ -6, एक हाइड्रोजन +1, दो पे कितना हुआ +2, -6 और +2 कितना हुआ -4, तो इस एक सल्फर पे कितना जाएगा, +4 आ जाएगा। तो यहां पे जो सल्फर है, यहां पे जो सल्फर है इज इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूं साथ में, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +4, ये बात क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं यहां पर एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर ऐड कर दूं, तो फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, H2S2 क्या बन जाएगा, O2, H2S2O2। एक ऑक्सीजन को हटा के मैंने एक सल्फर लगाया है, तो नेम में क्या ऐड हो जाएगा, थायो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थायो सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा, थायो सल्फ्यूरस, क्या नाम हो जाएगा, थायो सल्फ्यूरस एसिड। अब इस थायो सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन -2, तो दो पे कितना हुआ -4, दो हाइड्रोजन पे कितना हुआ +2, तो -4 और +2 कितना हुआ -2, तो दो सल्फर पे कितना आ गया +2, तो दो सल्फर पे +2 है, तो एक सल्फर पे कितना हुआ +1 हुआ। तो यहां पे सल्फर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किसमें, थायो सल्फ्यूरस एसिड के अंदर। क्लियर कहानी है। अब देखो आगे आगे काम करते हैं, एक फॉर्मूला है क्या, H2S2O4। क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, H2S2O4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। अब इस हाइपो सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, देखो दो हाइड्रोजन पे +2, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 पे कितना हुआ -8, -8 एंड +2 -6, तो दो सल्फर पे क्या हो गया +6, तो एक सल्फर पे कितना हुआ +3, तो यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3 है, कितना है +3, किसमें, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड में। क्लियर कहानी है। अब देखो यहां पे अगला देते हैं हम लोग, क्या हम देते हैं, क्या H2S2O5। क्या लिया हम लोगों ने, H2S2O5, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अब इस पायरो सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, देखो एक पे -2 ऑक्सीजन पे, 5 पे -10, दो हाइड्रोजन पे +2, तो -10 +2 कितना हुआ, कितना हुआ -8, तो सल्फर पे कितने आएंगे +8, कितने सल्फर पे आया +8, दो पे, तो एक सल्फर पे कितना है +4, तो यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है +4 है, कितना है +4। कहानी समझ आई, तो H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगा दो तो नेम में ऐड हो जाएगा थायो, तो क्या बन जाएगा H2S2O2, क्या नाम उसका, थायो सल्फ्यूरस एसिड। अब H2S2O4 हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, H2S2O5 हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। और इन सब में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फ्यूरस एसिड में +4, थायो सल्फ्यूरस एसिड में +1, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड में +3, और पायरो सल्फ्यूरस एसिड में कितना है +4 है। ये बात समझ आ गई। अब सिर्फ बात समझ आने से नहीं हुआ, ठीक है, अब क्या होगा कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग हैव SS बॉन्ड या फिर OO बॉन्ड, इस टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि इन एसिड का एनायन दे दे, जैसे मान लो दो H पॉजिटिव हटा दिए, पीछे क्या लगा दिया SO3 2 नेगेटिव, यहां पे लगा देंगे H2O2 2 नेगेटिव, H2O4 2 नेगेटिव, H2O5 2 नेगेटिव।
इस तरह से आपको इनके एनायंस देंगे और पूछा कि विच अमंग द फॉलोइंग हैव एसएस बॉन्ड या फिर एसओ बॉन्ड या फिर ओओ बॉन्ड, इस टाइप का क्वेश्चन देंगे। तो इसका मतलब इसके लिए आपको इन सब का क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था सबसे पहले, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो वो वीडियो आप देखिएगा। बेसिक रूल आपको पता लगेगा कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ठीक है ना। चलो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले हम लोग किसका बनाएंगे, H2SO3 का, किसका, H2SO3 का। चलो अब H2SO3 में सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर होगा, कौन होगा, सल्फर। अब उसके बाद कितने OH है आपके पास, दो OH है मैक्सिमम नंबर, कितने हैं OH, दो, तो दो OH लगा दीजिए, एक और एक दो। अब क्या बचा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच गया, और एक सिंगल ऑक्सीजन कैसे आता है, वो डबल बॉन्ड से आता है, लगा दिया डबल बॉन्ड, और सल्फर के पास एक क्या बच जाएगा, लोन पेयर बच जाएगा, क्योंकि सल्फर के पास वैलेंस में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक दो तीन चार पांच छह, सल्फर के छह इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, सल्फ्यूरस एसिड का हो गया। अब आपको क्या काम करना था, आपको सल्फ्यूरस एसिड में एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर लगाना था, तो क्या बन जाता, थायोसल्फ्यूरस एसिड बन जाता, ठीक है। तो भैया स्ट्रक्चर में एक काम करो, एक सिंगल ऑक्सीजन को हटाना है, और वो सिंगल ऑक्सीजन क्या है, डबली बॉन्डेड है, तो इस डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन को हटा के देखो, एस हटा के वहां पे क्या लगा दो, सल्फर लगा दो, ठीक है, और बाकी एस इज ओएच ओएच और एक यहां पे लोन पेयर। फॉर्मूला क्या बन गया, H2S2O, वो कितना हो गया, टू हो गया। क्या नाम है इसका, इसका नाम है थायोसल्फ्यूरस एसिड। तो देखो स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा इजी सा काम है। अब आगे नंबर थ्री देखो क्या बोलता है, ये बोलता है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O4, देखो ध्यान से H2S2O4 बोला है। अब यहां पर सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर होगा, मिनिमम नंबर पे है। मिनिमम नंबर पर जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो हम उस एलिमेंट को लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है या जिसका साइज बड़ा है। तो किसका साइज बड़ा है, सल्फर का साइज बड़ा, हाइड्रोजन का छोटा है, तो हाइड्रोजन को नहीं लेंगे सेंट्रल एटम, किसको लेंगे, सल्फर को। लेकिन कितने यहां पे, दो, तो दो सल्फर है, तो एक सल्फर एक सल्फर, मैंने दो सल्फर लिख दी। अब आपको मैक्सिमम नंबर पे क्या लिखना है, OH लिखना है। कितने OH हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर पे, दो हो सकते हैं, तो भैया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, एक इसको दे दो और एक इसको दे दो, दे दिया। अब क्या बचे आपके पास, आपके पास बचे दो ऑक्सीजन, तो वो भी आपको क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे, आपको क्या कर देना है, डबल बॉन्ड ओ आपको कर देना है डबल बॉन्ड, ठीक है, बस। फिर क्या काम करोगे, सल्फर और सल्फर को आप मिला दोगे। अब देखो यहां पे सल्फर और सल्फर का बॉन्ड है, और जहां सल्फर सल्फर का बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, थायो एसिड, क्लियर है कहानी। तो इसका मतलब ये हाइपोसल्फ्यूरस एसिड है, वो इज अ टाइप ऑफ थायो एसिड। और उसके बाद सल्फर के पास क्या क्या बचेगा, एक एक लोन पेयर बचाएगा, क्या बचाएगा, एक एक लोन पेयर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स एसएस बॉन्ड और उसमें आपको दे दे H2O42 नेगेटिव, यस H2O42 नेगेटिव में एसएस लिंकेज है, ठीक है, क्लियर होगी कहानी। अब आगे चलते हैं किसके ऊपर, H2S2O5 के ऊपर, ठीक है, H2S2O5 के ऊपर। अब देखो बात ये है, ऊपर वाले में सिर्फ एक ऑक्सीजन ही तो ऐड करना है, और ऑक्सीजन ऐड कहां पे करोगे, ठीक है। तो भैया बात ऐसा है कि सल्फर और सल्फर के बॉन्ड हटा के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो, कैसे, देखो एस एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, बीच में हमने डाल दिया एक ऑक्सीजन, एक OH और एक क्या हो गया OH, ठीक है, एक एक लोन पेयर दिखा दो इनको, बन गया। तो क्या H2S2O5 में SS बॉन्ड है, नहीं है, वहां पे SOS बॉन्ड है, SOS लिंकेज है, ठीक है, कहानी समझ आई। डायग्राम बनाना कोई टफ काम नहीं है, बड़ा इजी सा काम है, एक बार इसको उतार लीजिए फिर हम लोग दूसरा टाइप पढ़ते हैं इसका, क्लियर है ये सब, ठीक है, अच्छे से डायग्राम सब कुछ समझ आ गया। अब हम लोग आगे बढ़े, आगे पहला कौन सा पढ़ा हमने, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड टाइप या सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। अब नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में, इसको मिटा दो एक बार। चलो नंबर दो क्या, देखो नंबर दो क्या लिया हम लोगों ने, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, ठीक है।
अभी सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में कौन कौन सा होगा? देखो पहला कौन सा होगा, पहला खुद ही सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, पहला खुद ही क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और इस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला तो आप सब जानते हो, H2SO4, क्या है H2SO4, और H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, कितना होता है +6 होता है, सल्फर इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो देखो एक ऑक्सीजन -2, 4 पे -8, दो हाइड्रोजन पे +2, कितना हुआ -6, तो सल्फर कितना हो गया +6। तो यहां पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर है कितना हो गया +6 हो गया, कितना हो गया +6, कहानी क्लियर है। दूसरा देखो, अगर मान लो मैं एक ऑक्सीजन को हटा दूं और वहां एक सल्फर लगा दूं तो क्या हो जाएगा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, क्या हो जाएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड, करना कुछ नहीं है, एक ऑक्सीजन हटा दो तो क्या हो गया O3, एक सल्फर लगा दो क्या बन गया H2, तो H2SO3, तो क्या हो गया ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाना चाहिए वो +3 हो जाना चाहिए, कैसे होगा बताएंगे आपको। अब अगला कौन सा है, अगले का नाम क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं क्या डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, फेमस है, क्या नाम है ओलियम, क्या नाम है इसका ओलियम, नाम से आपको शायद पता लग गया होगा, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में बनता है ओलियम। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, इसका फॉर्मूला होगा H2S2O7, H2S2O7, सल्फर कितना है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किसमें है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके तीनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, चलो, और फिर देखते हैं किसमें SS लिंकेज है किसमें नहीं है, ये देखते हैं। तो पहले H2SO4 क्या है, सिंपल सा है, H2SO4 क्या करना है, सेंट्रल एटम कौन है सल्फर है। अब सल्फर को छोड़ के कितने OH बन सकते हैं, मैक्सिमम दो बन सकते हैं, तो क्या लगा दो, दो OH लगा दो। अब क्या बचा आपके पास, दो ऑक्सीजन बचा, अब वो जो ऑक्सीजन बचा वो तो कौन से कौन से आएगा, डबल बॉन्ड से आएगा, तो लगा दो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, सल्फर क्या है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आपको करना क्या है, आपको बनाना है H2S2O3, क्या नाम इसका, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। किया क्या था आपने, एक ऑक्सीजन को हटाया था सल्फ्यूरिक एसिड में से और वहां पे क्या लगा दिया था सल्फर को। अब एक ऑक्सीजन हटाना यानी सिंगल ऑक्सीजन को हटाना, अब किसी एक ऑक्सीजन सिंगल वाली जो डबली बॉन्डेड है उसको हटा के सल्फर लगा दो, मैं यहां सल्फर लगा देता हूं, तो क्या बनेगा S डबल बॉन्ड O OH OH, और यहां मैंने क्या लगा दिया सल्फर लगा दिया, क्लियर का नहीं है। तो किसका फॉर्मूला बन गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड का। अब एक चीज देखो, जब दो सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड हो तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का क्या आता है, 0-0 आता है एक दूसरे की वजह से, तो इसका कितना हो गया 0 हो गया, और इसकी वजह से ये भी कितना हो गया 0 हो गया, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब ये OH है और OH पे चार्ज कितना होता है -1 होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, एक तो आप ये करते सर हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीजन पे -2, फिर कितना बचा -1 बचा, तो मैं डायरेक्ट ही बोल दिया OH पे कितना आता है -1 आता है, तो OH है -1 है, OH है -1 है, और सिंगल ऑक्सीजन है तो कितना हुआ -2 हुआ, तो टोटल कितना हो गया -4, तो ये सल्फर पे कितना हो गया +4, कितना आ गया +4। अब देखो +4 है, हमको दिखाई दे रहा है कि वो सेंट्रल सल्फर पे है, ये जो टर्मिनल सल्फर पे नहीं है, बट हम जब ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं वो क्या लेंगे ऑन एन एवरेज लेंगे, तो मैं ये बोलूंगा कि दो सल्फर पे टोटल चार्ज कितना हुआ +4 हुआ, तो एक पे कितना हुआ +2, तो भैया थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लियर कहानी है, अच्छे से समझ लीजिएगा। चलो अब उसके बाद क्या बनाना है, अपने को बनाना है क्या ओलियम, ओलियम क्या फॉर्मूला क्या है H2S2O7, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रल एटम कौन होगा खुद बताइए, सल्फर होगा, कितने दो, तो दो सल्फर लगा दो। अब सल्फर को छोड़ के कितने OH बचते हैं, दो OH बचते हैं, तो क्या करना आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, तो एक OH यहां पे एक OH यहां पे। अब इसके बाद क्या बचा आपके पास, आपके पास बचे 5 ऑक्सीजन,
और वो पांच ऑप्शन कैसे आएंगे डबल बॉन्ड से, तो एक काम करो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, दो ऑप्शन चले, और करो डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, कर दिया। अब क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, अब एक ऑक्सीजन दो में क्या करना, इक्वल आधा आधा कर दो, कैसे एक ऑक्सीजन यहां लगा दो एक यहां लगा दो, ठीक है ना, हो गया। सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, छह, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रक्चर आएगी, नो डाउट, ठीक है। अब बताओ क्या यहां पर SS का डायरेक्ट लिंकेज है, नहीं है, कौन सा लिंकेज है, SOS लिंकेज है यहां पे, कौन सा लिंकेज है, SOS लिंकेज, क्लियर है। अब कल को एग्जाम में आपसे पूछ ले किसका स्ट्रक्चर, H2O72 नेगेटिव का, तो भैया क्या किया है, ठीक है, ओलियो में तो था, 2H पॉजिटिव हटा दिए, 2H पॉजिटिव हटा दिए तो क्या बनेगा, H2O72 नेगेटिव, देखो क्या करना है, एक H जो O के साथ लगा हटा दो नेगेटिव आ गया, हटा दो नेगेटिव आ गया, वही हो गया, देख लो H2O72 नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलो अब ये कौन सा था, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज का था, अब थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पे, अब थर्ड कौन सा करें, बोलिए पायरो वाला कर लेते हैं या फिर पर ऑक्सी वाला कर लेते हैं, क्या लिखूं मैं यहां पे, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, पर ऑक्सी वाला कर लेते हैं। अब परोक्सी में देखो ध्यान से, पहला कौन सा आएगा, पहला आएगा भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है, H2SO5, क्या बोलेंगे, परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, क्यों बोला, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 था, उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दे दिया, भाई सल्फर का भी मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता, अब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगी, तो वो क्या हो जाएगा, परोक्साइड लिंकेज आएगी वहां पे, तो वो है परोक्सी और मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बोलेंगे इसका फॉर्मूला क्या है, नेम क्या है इसका, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है वो देखो, आप फॉर्मूला देख के काउंट नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते, कैसे, अगर मैं फॉर्मूला देख के पता लगाऊंगा एक ऑक्सीजन पे -2 तो 5 पे -10 ही करूंगा, ठीक है, लेकिन पर ऑक्सी का मतलब क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन इज इन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब कितने ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये तो स्ट्रक्चर से ही आपको पता लगेगा, तो इसका हम लोग पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या था, H2SO4 में एक ऑक्सीजन फालतू तो किया है, पहले सल्फ्यूरिक एसिड का बना लो बिंदास, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, क्लियर है बात। अब आपको क्या करना है, यहां पर 1 2 3 4 ऑक्सीजन है लेकिन यहां पर कितने, 5, आपको एक ऑक्सीजन और फिट करना। अब इस सल्फर की तो देखो कैपेसिटी हो गई खत्म, कैसे, 2 2 4 और 2 6, 6 से ज्यादा सल्फर बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो फिर कहां पे सल्फर के साथ तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है, फिर कहां पे होने वाला है, या तो इन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ या फिर इनके साथ। अब डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ कहां एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट कहां होगा, OH के साथ, तो क्या मैं ऐसा ले नहीं सकता OH। अब देखो ये ऑक्सीजन है, दो बॉन्ड बनाता है, बना लिए, इसके दो बॉन्ड पूरे हैं, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड पूरा है, और सल्फर के भी कितने हैं, 6 हैं, तो ये क्या स्ट्रक्चर हो गया, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का हो गया। अब देखो जहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है, वेयर देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, कौन सी लिंकेज होती है, परऑक्साइड लिंकेज होती है, कौन सी होती है, परऑक्साइड, तो बताओ ये परऑक्साइड लिंकेज हुई कि नहीं हुई, और परऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना होता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये ऑक्सीजन कितना है, -2 -2, ये पूरा OH कितना है, -1, ये H कितना है, +1, तो ये +1 ये -1 कैंसिल आउट कर दूं, अल्टीमेटली कितना बचा, -1 बचा, ये -1 -1 -2 -2, तो टोटल कितना हुआ, +6 -6 हुआ, तो फिर ये सल्फर कितना हो गया, +6, इसका मतलब परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर कितना होता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कोई चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ लेकिन वो एडजस्ट हो गया, कहानी क्लियर है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहां पर क्या OO लिंकेज है, बिल्कुल लिंकेज है, विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स OO लिंकेज, तो आप देख सकते हो यहां पर क्या, H2SO5 अगर ऑप्शन में है तो बिल्कुल। अब देखो ध्यान से अगला देखो क्या है, अगला है H2SO8, अब इस H2SO8 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया,
इसको बोलते क्या, इसको मैं बोलूंगा क्या, मार्शल एसिड, बड़ा कॉमन है इसका, क्या है मार्शल एसिड, या फिर इसका एक नाम और भी है क्या, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाई होगा ना, डबल कर दिया हमने, तो इसका क्या नाम है, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलो अब देखो क्या है इसका एक कॉमन नेम क्या है, मार्शल्स एसिड, बड़ा ही फेमस है भैया, मार्शल्स एसिड, कॉमन नेम क्या है, मार्शल एसिड। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका क्या है, H2S2O8। अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाया था हमने किसका, H2S2O7 ओलियम का बनाया था। अब इस ओलियम में और इसमें डिफरेंस क्या है, एक ऑक्सीजन का। अब हमको इस स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन फिट करना, अब ऑक्सीजन सल्फर के साथ तो फिट हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि सल्फर के ऑलरेडी कितने बॉन्ड हो गए, 6 बॉन्ड हो गए, सल्फर के ऑलरेडी कितने बॉन्ड हो गए, 6। तो आप मेरी कहानी समझ गए होंगे, फिर कहां पे फिट करोगे कि सर OH दिखाई दे रहा है, तो एक हम लोग एक काम करते हैं, हम यहां पर एक O लगा देंगे, कैसे करोगे, नहीं, ऐसे करने से क्या इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री आई, इफ आई प्लेस ए मिरर हियर, क्या दोनों साइड सेम है, नहीं, सिमेट्री आना भी जरूरी है, कि सर सिमेट्री आना क्यों जरूरी है, बिकॉज सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, क्या डायग्राम बनाने से सब कुछ हो जाएगा, नहीं, स्टेबल भी तो होना चाहिए, तो क्या काम करोगे, इसको नहीं छेड़ोगे, इसको OH पड़ा रहने दो, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन एडजस्ट दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हियर, कैसे, देखो ध्यान से, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, ओ ओ ये लो किया ना, अब देखो यहां पर अगर मैं बीच में एक मिरर डालता हूं, ये लो डाला, तो दोनों साइड सेम है क्या, नहीं है ना, सिमेट्री आएगी ना, सिमेट्री आएगी तो क्या आएगा, स्टेबिलिटी आएगा। अब लेकिन एक बात और भी है, अब यहां पर, यहां पहले बात तो कौन सी लिंकेज आई, यहां पर ओ लिंकेज आई, परोक्साइड लिंकेज है, यहां पर कौन सी लिंकेज है, परोक्साइड, ऑप्शन कितना है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर कहानी है। दूसरा ये ऑक्सीजन -2, ये -2, और ये OH कितना है, -1, OH -1, -2, -2। अब जब दो सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड हो तो एक दूसरे की वजह से उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, तो फिर इसके ऊपर देखो -2, -2, -1, -1, टोटल कितना हुआ, -6, तो ये सल्फर कितना हुआ भैया, +6। सिमिलरली ये सल्फर भी कितना हुआ, +6। इसका मतलब परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड या फिर मार्शल एसिड में भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है, कितना है, +6 है, और वहां पर परोक्साइड लिंकेज है, बिल्कुल है, क्लियर है। और ऊपर हमने क्या बोला था, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस कॉमन नेम है, और वो कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैरोज एसिड, क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड, ये कैरोज एसिड H2SO5 और ये H2S2O8, ये कौन सा एसिड होता है, मार्शल एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, मार्शल एसिड। कोई डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत है, कोई नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं है शायद, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो IIT में हो चाहे फिर वो नीट में हो, ठीक है, तो अच्छे से उतार लो। एक सीरीज और रह गई इसकी, वो भी हम लोग कर लेते हैं। चलो कितने टाइप हो गए, 3 टाइप। जो नेक्स्ट टाइप है वो टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, थायोनिक एसिड सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, थायोनिक एसिड सीरीज। पढ़ते हैं क्या होता है ये, देखो ध्यान से, नंबर 4 क्या है, थायोनिक एसिड सीरीज, ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर एग्जांपल देखो क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, डाई थायोनिक एसिड, क्या देखा हमने, डाई थायोनिक एसिड, ठीक है। चलो अब ये डाई थायोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, ये फॉर्मूला होगा क्या, H2S2O कितना, 6, H2S2O6, 226 टाइप का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई थायोनिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई थायोनिक एसिड में जो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए, +5 होगा, कैसे होगा, +5, सर कैसे बता दिया, देखो ध्यान से, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 6 पे कितना हुआ, -12 हुआ, और दो हाइड्रोजन पे कितना हुआ, +2, -12 और +2 कितना होता है, -10 होता है, और -10 तो सल्फर पे कितना आया, +10, दो सल्फर पे +10 है तो एक सल्फर पे कितना हुआ, +5 हुआ,
कितना भाई सल्फर पे प्लस फाइव, ये बात क्लियर है ठीक है। अब देखो एक टाइप और है इसके अंदर, ये डायथायमिक एसिड है, एक होता है जैसे हम बोलते हैं क्या पॉलीथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड। अब सर पॉली, पॉली का मतलब तो बहुत सारे, अब बहुत सारे क्या थायो, थायो का मतलब जहां पे सल्फर और सल्फर में लिंकेज हो। तो भैया करना क्या, देखो इसका फॉर्मूला क्या है H2S कितना करूं N, पॉली बोला है ना, तो वेयर N की वैल्यू कितनी होगी 3, 4, 5 सो ऑन। टू तो ले नहीं सकते, टू लेते वो क्या हो जाएगा डायथायोनिक एसिड हो जाएगा ठीक है। वन ले नहीं सकते, वन लेंगे तो थायोनिक एसिड बनेगा, थायो तो कब आता है जब सल्फर और सल्फर में लिंकेज होती है। तो पॉलीथायोनिक में एस की वैल्यू कितनी लेंगे, एन की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग 3, 4, 5 एंड सो ऑन लेंगे ठीक है। और ओ कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और वही ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा आपके पास प्लस 5 हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे तब मजा आएगा। तो स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, पहले तो इसका डायरेक्ट बोल दिया थायोनिक एसिड है, तो सल्फर और सल्फर में लिंकेज तो आनी आनी है। तो देखो सेंट्रल एटम क्या है सल्फर है, दो सल्फर ले लिया हम लोगों ने, फिर हम लोग क्या लेंगे दो OH लेंगे क्योंकि दो ही OH हो सकते हैं मैक्सिमम। तो एक OH मैंने यहां लगा दिया और एक OH मैंने क्या कर दिया यहां लगा दिया। अब क्या बचे हमारे पास, हमारे पास बचे चार ऑक्सीजन। अब चार ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड हो ठीक है ओके, और लगाते हैं डबल बॉन्ड ओ हो गया, और सल्फर को आपस में हम लोग क्या कर देंगे अटैच कर देंगे। फॉर्मूला क्या हो गया H2S2 O कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 H2O2 कितना H2S2O6 हो गया। क्लियर है, सल्फर और सल्फर में लिंकेज है तो क्या बोलेंगे इसको थायो वाला बोलेंगे, डाइथायोनिक एसिड है क्लियर। सल्फर के देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉन्ड रहे, 6 बॉन्ड बन रहे कोई इशू है नहीं। और इसी तरह अगर आपको यह दे दिया जाता एक H पॉजिटिव यहां से हटा दो एक यहां से हटा दो क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ तो क्या हो जाएगा H2O6 2 नेगेटिव तो क्या हो जाएगा डाइथायोनेट आयन क्या हो जाएगा डाइथायोनेट। तो क्या H2O6 2 नेगेटिव में SS लिंकेज है, बिल्कुल SS लिंकेज है कोई इशू ही नहीं। तो एग्जाम में इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तभी मैं ये करवा रहा हूं आपको। चलो पॉलीथायोनिक में चलते हैं, पॉलीथायोनिक में कुछ नहीं करना, डायग्राम तो वही है ना S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH फिर ये लोग S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O क्या OH और S कितने आपके पास वो है N और इस N का वैल्यू 3, 4, 5 या उससे ज्यादा है। तो एक काम करते हैं मैं ऐसा लिख देता हूं S N लगा देता हूं, ये अभी N कितना है हमें थोड़ी पता है तो ये क्या हो गया इसको हम बोलते हैं क्या पॉलीथायोनिक एसिड। क्या बोलते हैं पॉलीथायोनिक एसिड। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है तो सेम एलिमेंट से तो एक दूसरे के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का डिवाइडेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा ये ऑक्सीजन -2 ये -2 और ये OH पे कितना होता है -1 टोटल कितना हुआ -5 तो सल्फर कितना हुआ +5 -2 और ये कितना है -1 तो सल्फर कितना हुआ +5 सेम खाली वहां पे -2 -2 और ये कितना है -1 तो सल्फर कितना हो गया +5 -2 -2 -1 सल्फर कितना हो गया +5। तो ये जो थायोनिक एसिड सीरीज के होते हैं वहां पर सल्फर है वो अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। क्लियर कहानी, इसको भी अच्छे से उतार लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छे से समझ आ गया है आपको, अब आगे चलते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा किंग ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन है किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है। क्या नाम है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आई थिंक क्लास 6-7 में या 8 में आपने इसके बारे में सुना होगा ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्या बोला हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या नाम है इसका सल्फ्यूरिक एसिड या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल या फिर ये क्या है किंग ऑफ केमिकल्स भी है या किंग ऑफ एसिड भी है। क्लियर कहानी है। चलो अब बात ये है कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि स्ट्रक्चर में आपको करवा चुका हूं इसका है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ठीक है। मेन इसके दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बट ये ब्रीफ में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा है
लेड चैम्बर प्रोसेस, कौन सा है? लेड चैम्बर प्रोसेस। हम सिर्फ रिएक्शन पढ़ेंगे यहां पे, और जो नंबर टू है वो कौन सा है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। अब ये लेड चैम्बर प्रोसेस में कैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो इस लेड चैम्बर प्रोसेस में जो हमारा मिक्सचर है, जो क्या है मिक्सचर, इट कंटेन्स क्या क्या होता है इस मिक्सचर में? इट कंटेन्स एसओ टू होता है, इसमें क्या होता है एनओ होता है, और क्या होती है एयर। अब एयर से आप क्या लोगे? ऑक्सीजन लोगे। एयर से क्या लोगे? ऑक्सीजन, ठीक है। मिक्सचर कंटेन दिस वन दे आर पास्ड थ्रू स्टीम, पास थ्रू स्टीम, कहानी क्लियर है। और स्टीम से जब आप पास करोगे तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले क्या होगा, एनओ, एनओ का मतलब क्या हुआ? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या हुआ यहां? नाइट्रिक ऑक्साइड। और मैं आपको बता दूं कि नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पर क्या काम करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। अब एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको एक ऑप्शन दे दे एनओ, टिक कर दीजिएगा आंख बंद करके, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करेगा? सबसे पहले ये एयर में प्रेजेंट ओ2 के साथ रिएक्ट करके 2NO प्लस में ओ2 क्या बनाएगा? 2NO2 बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। क्लियर कहानी है, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, वो किसके साथ रिएक्ट करेगी? किसके साथ में? SO2 के साथ में रिएक्ट करेगी। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, और वो SO2 को ऑक्सीडाइज करके इसमें कन्वर्ट कर देती है SO3 में, और खुद रिड्यूस होकर क्या बन जाती है? NO। आपका जो कैटलिस्ट था उसने काम किया और वापस से निकल गया। क्लियर है। अब जैसे ही SO3 बन गई, अब इस SO3 को पास करते हैं किसके ऊपर से? स्टीम के ऊपर से पास करते हैं, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बन क्या जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2SO4। क्लियर कहानी है। तो एक तो प्रोसेस हो गया कौन सा? लेड चैम्बर प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस कौन सा आपका? कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या काम करते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन करेंगे पहले, ठीक है। तो क्या बनेगा? SO2 बनेगा। क्या बनेगा? SO2। अब इस SO2 गैस को, अब इस SO2 गैस में से क्या पास करते हैं हम लोग? O2 पास करते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट है ये? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। कौन सा है? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो क्या होता है? 2SO2 प्लस में O2 क्या देगा आपको? 2SO3। SO3 गैस बनते हैं। मेन काम क्या है? SO3 गैस बनाने का है। अब जैसे ही SO3 गैस बने, इस SO3 गैस को पास करते हैं किसके ऊपर से? वही वाटर के ऊपर से पास करेंगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा क्या? मेनली H2S2O7। मेनली क्या बनता है? ओलियम बनता है। मेनली क्या बनता है? ओलियम, ठीक है। तो ये लोग 2SO3 प्लस में H2O क्या बन गया? ओलियम। अब देखो ये जो ओलियम बन गया ना, इस ओलियम में बाद में वाटर ऐड करके हम लोग अपनी डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। देखो H2S2O7 है, वाटर ऐड कर लो और डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन कर लो। सिंपल एंड स्वीट, ठीक है। ओलियम का भी मैं आपको स्ट्रक्चर बता चुका हूं अभी, ऑक्सो एसिड और सल्फर के अंदर, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस है, कौन से? लेड चैम्बर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस में आपका कैटलिस्ट कौन है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन है? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है। और दोनों ही प्रोसेस में हमारे पास क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्लियर है, ओके। उतार लीजिए इसको अच्छे से, चलो मिटा दूंगा इसको। अब बाद में क्या है, कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताता हूं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी, ठीक है। देखो क्या बोला हम लोगों ने, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो भैया बात ऐसा है, सबसे पहले तो कि ये कलरलेस होता है, इट इज ए कलरलेस और विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस सिरप बोलो, विस्कस लिक्विड बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, कलरलेस होता है और विस्कस होता है। दूसरा, दूसरा ये कोरोसिव होता है, इट इज कोरोसिव इन नेचर, इट इज कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इतना क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हाई व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है
बहुत ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई क्या हो जाता है, कोरोसिव हो जाता है, डिहाइड्रेटिंग इन नेचर हो जाता है। ठीक है, ओके, तो देखो ध्यान से, ठीक है, इज ड्यू टू एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर बनाया क्या, एस डबल बॉन्ड हो, ओ एच ओ एच, अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाए थे हम लोगों ने, ठीक है ना, तो ये हो गया। एक सल्फ्यूरिक एसिड का बनाते हैं, एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, एक और बना के दिखा देता हूं आपको मैं, एस क्या लिख दूं, ओ एच ओ एच डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि हाइड्रोजन आ गया दो ऑक्सीजन के बीच में, तो यहां पर क्या हो जाएगी, ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो एक्सटेंट कितना ज्यादा है, एक मॉलिक्यूल में कितने चार और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में लगे हुए हैं। सो ड्यू टू द एक्सट्रीमली हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सल्फ्यूरिक एसिड इज कोरोसिव इन नेचर। क्लियर कहानी है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा, हाइड्रोजन के साथ इसका जो लगाव है वो ज्यादा है, तो क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग इन नेचर होता है। ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग होता है इन नेचर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम लोग आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं बोल दूं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं कि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है, थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, चलो मिटा दो इसको मैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद आगे क्या आएगा, ठीक है, ये आएगा आगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भैया, तो अच्छे से समझिएगा इसको, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं लिख दूं क्या, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सबसे पहले मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट पे लूंगा। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कारण क्या है पता है इसका, कि जो H2SO4 है, H2SO4 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो 338 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों बढ़ा, अभी फिजिकल प्रॉपर्टी बढ़ी है, क्यों, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है, चलो अब बात यह है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है क्यों, क्योंकि वाटर के साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, दैट्स व्हाई ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। चलो कुछ एक रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले देखो कि हमने क्या लिया, हमने लिया C6H12O6, क्या नाम है भैया इसका, मान लो ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम लोग H2SO4 से कराएंगे, जिससे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे, तो क्या काम कर लेगा, सारे का सारा वाटर खींच लेगा। और वाटर कहां पर, इसमें यहां पर, तो ये क्या देगा, 6H2O प्लस में 6 कार्बन। ठीक है, तो ग्लूकोज में से क्या छीन लिया उसने, वाटर को छीन लिया। वाई, क्योंकि वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, कौन सा, इंटरमोलिकुलर। दूसरा देखो क्या होगा कि यहां पर अगर मैं सुक्रोज ले लेता हूं, C12H22O11, क्या लिया हम लोगों ने, सुक्रोज, क्या लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो क्या करेगा, यहां से भी वाटर छीन लेगा, कितने वाटर मोलिक्यूल आएंगे, 11, तो 11 तो आ गए वाटर मोलिक्यूल, प्लस में क्या बच गया, 12 कार्बन। यानी उस सुक्रोज को, सुक्रोज क्या होती है, जो घर में हम लोग शुगर यूज करते हैं वो सुक्रोज होती है, यानी ये उस शुगर को क्या कर देगा, ब्लैक कर देता। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, चेरिंग ऑफ शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, चेरिंग ऑफ शुगर, CHARRING, चेरिंग ऑफ शुगर। अब चेरिंग, चेरिंग का मीनिंग क्या होता है, कि अगर कोई कंपाउंड है उसको हम लोग क्या कर दे, पार्शली ब्लैक कर दे उसको, पार्शली उसका क्या कर दे, उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं उसको, और पार्शली उसको क्या कर दे, ब्लैक कर दे उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेरिंग बोलते हैं। जैसे शुगर पे आप डालोगे तो शुगर को क्या कर देगा, ब्लैक कर देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, चेरिंग ऑफ शुगर। कहानी समझ गए, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड ले लो, ऑक्सैलिक एसिड से पहले चलो फॉर्मिक एसिड लेते हैं, HCOOH, क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। जब फॉर्मिक एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो क्या होगा, वाटर खींचना है, वाटर कहां है, HOH, तो भैया वाटर बन गया, पीछे क्या बचा,
पीछे आपको दिखाई दे रहा है क्या बचा, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाती है, क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अगर मैं फॉर्मिक एसिड ले लेता हूं सीओओएच ऑक्सैलिक एसिड, क्या ले लेता हूं मैं ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड पे ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या काम करेगा भाई, देखो ध्यान से, वाटर खींचना है ठीक है, HOH तो वाटर खींच लिया उसने। अब वाटर खींचने के बाद पीछे क्या बचा, मुझे एक तो CO दिखाई दे रही है, एक CO2 दिखाई दे रहा है, तो CO प्लस में CO2 प्लस में क्या हो गया, वाटर हो गया, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली अगर मैं एल्कोहल में डाल दूं, जैसे मान लो फेमस CH3CH2OH, क्या नाम इसका, इथेनॉल। अब इथेनॉल की रिएक्शन अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराऊं तो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर मैं टेम्परेचर मान लेता हूं 443 केल्विन ले लेता हूं ठीक है, तो यहां पर ये क्या बना देगा, इसको एल्कीन बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या निकाल देगा, वाटर, क्या नाम इसका, इथीन। जब आप ये ऑर्गेनिक पढ़ते हो, ऑर्गेनिक में जो पहला ही चैप्टर है एल्कोहल वाला, वो पढ़ते हो उसी के अंदर आ जाता कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इथेनॉल के साथ एल्कोहल के साथ 4 डिफरेंट टेम्परेचर पे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। अगर हाईएस्ट टेम्परेचर 443 केल्विन पे ले तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है ठीक है ना। अगर 413 केल्विन ले, 413 केल्विन टेम्परेचर ले तो क्या बनाता है, डाइइथाइल ईथर बनाता है। ये देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन क्या बना देगा, C2H5O C2H5, क्या नाम इसका, डाइइथाइल ईथर, क्या नाम है, डाइइथाइल ईथर प्लस में क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दिया। तो कहानी समझ गए, तो अलग अलग टेम्परेचर पे इथेनॉल के साथ H2SO4 अलग अलग क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। तो ये सारे के सारे यहां पे क्या निकला, वाटर निकला ना, तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज यूज एज ए डीहाइड्रेटिंग एजेंट। वुड पल्प को ठीक है ना, इन सबको क्या करने में काम आता है, चैरिट करने में काम आता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से उतार लीजिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखो नंबर वन तो ये है एज ए डीहाइड्रेटिंग एजेंट, नंबर टू ले लेते हैं क्या। अब देखो डीहाइड्रेशन करता है ना, तभी तो अगर स्किन पे गिर जाए H2SO4, अगर स्किन पे गिर जाए तो स्किन को क्या कर देता है, बर्न कर देता है, बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होता, बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होता ठीक है, तभी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कोरोसिव इन नेचर, इट इज कोरोसिव इन नेचर। चलो नंबर दो क्या बोलेंगे, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक है। अब रिएक्शन देखो क्या क्या है, सबसे पहले तो देखो, अब देखो नॉन मेटल के साथ में, किसके साथ में, नॉन मेटल को ये किसमें कन्वर्ट करेगा, तो सबसे पहले देखो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर आप H2SO4 कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको H2O प्लस में SO2 और प्लस में क्या देगा, ये नीसेंट ऑक्सीजन देगा। अब ये नीसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्या हुआ, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ठीक है। कौन सी गैस देगा भैया, SO2 गैस निकलेगी, कौन सी गैस, SO2, कब, व्हेन यू यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो पहले देखो अगर मैं नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराऊं, जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन मैंने क्या करवा दी H2SO4 कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ठीक है, रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा, तो कार्बन को कन्वर्ट कर देगा CO2 में, तो देखो C को बना दिया CO2, ऑक्सीडेशन कर दिया ठीक है, खुद क्या बन जाएगा SO2 और प्लस में क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, क्लियर कहानी है। इसी तरह देखो मान लो अगर मैं यहां पर किसके साथ में, फॉस्फोरस के साथ में रिएक्शन करा दूं H2SO3 4 की, तो फॉस्फोरस को एक इसमें कन्वर्ट कर देगा H3PO4, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम लोग ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं ठीक है, और खुद वही कहानी, खुद क्या बना देगा SO2 प्लस में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सल्फर की रिएक्शन करा देता हूं किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, तो यह क्या बन जाएगा, वही सेम कहानी SO2 प्लस में वाटर ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा SO2 प्लस में वाटर, करके देखते हैं कैसे। हमने ले लिए 2H2SO4 ले लिए, तो वाटर कितना निकल गए, 2H2O निकल गए, इसका मतलब 2H2 और 2 ऑक्सीजन, पीछे क्या बचा हमारे पास, 2SO3 बचा,
दो एसओ थ्री एसओ थ्री एसओ थ्री और एक ये क्या है सल्फर है, तो टोटल कितने हमारे पास ये सिक्स और ये सल्फर कितने हैं थ्री, तो क्या मैं इसको लिख दूं कि थ्री एसओ टू हो गया ना, तीन सल्फर हो गया, छह ऑक्सीजन हो गया, तो तीन आपको एसओ टू मिल गए और दो क्या मिल गए आपको वाटर मिल गए यहां पर। तो ये नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, जैसे मान लो हमने लिया यहां पर क्या नेपथलीन ले लिया, हम लोगों ने क्या ले लिया नेपथलीन, ठीक है नेपथलीन। अब नेपथलीन की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ कराऊंगा ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी, तो ये नेपथलीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है थैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है ये थैलिक एसिड में COOH ठीक है COOH, खुद क्या बना देगा ये SO2 बना देगा प्लस में क्या बना देगा वाटर बना देगा। इसका मतलब नेपथलीन को किसने क्या कर दिया ऑक्सीडाइज कर दिया, क्लियर कहानी है तो कोई इशू नहीं है, समझ लोगे ठीक है। चलो इसी तरह एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मान लो हाँ ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, H2SO4 की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ की जाए, अगर PCl5 के साथ की जाए फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। अब दो टाइप के प्रोडक्ट कैसे है देखो ध्यान से, मैं यहां पर शो करता हूं एस डबल बोन्ड ओ डबल बोन्ड ओ ओ एच ओ एच यही तो है। अब PCl5, अब देखो PCl5 PCl4 HCl ले लो ठीक है ना, तो होगा क्या एक तो HCl मिलेगा, एक तो क्या मिलेगा HCl ओके, और एक क्या मिल जाएगा इसको मैं PCl3 HCl ऐसे शो कर दूं, एक मिल जाएगा क्या POCl3, देखो एक तो मिल जाएगा क्या सा HCl, एक तो मिलेगा HCl, एक मिलेगा POCl3, POCl3 को हम लोग फॉस्फोरिल क्लोराइड भी बोलते हैं। फिर एक क्या बचा देखो PCl3 और चला गया तो POCl3 हो गया, पीछे क्या बचा क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन लगा दो तो प्लस में आपके पास क्या बचा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O यहां पे Cl यहां पे OH, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोसल्फोनिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्लोरोसल्फोनिक एसिड। सर क्वेश्चन उठता है कि सर सल्फोनिक एसिड क्यों बोला, क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं मिला, अरे एक ऑक्सीजन भी तो चला गया ना, ऑक्सीजन चला गया तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लोरोसल्फोनिक एसिड। तो ये H2SO4 है PCl5 के साथ रिएक्ट करके क्लोरोसल्फोनिक एसिड बनाता है, और देखो और ये भी हो सकता है कि देखो ध्यान से S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH क्लियर, PCl5 लेना है तो एक काम करो PCl Cl एक दो तीन Cl 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 ये Cl यहां से हटा दो ठीक है, ये यहां से हटा दो पीछे क्या बचेगा POCl3, तो एक तो बना POCl3 एक बना HCl, एक कहानी ऊपर कर सकते थे ठीक है, ऊपर भी देख लो मैं समझा देता हूं कोई इशू नहीं, क्या है O के साथ में H यही है ना, जहां पे वो दिखाई दे रहा है वहां पे लगा दो P, एक Cl यहां लगा दो एक Cl यहां लगा दो, और बाकी कितने बचे तीन Cl, तो तीन Cl देखो ध्यान से एक दो तीन Cl 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 इसको ऐसे काटो इसको ऐसे काटो, एक बना HCl बिल्कुल HCl बन रहा है ये रहा HCl, एक बना क्या POCl3 बिल्कुल है, और यहां पर क्या लग गया Cl लग गया था। अब कितने लेने हमको दो लेने हैं, तो देखो एक OH और भी दिखाई दे रहा है, तो O के नीचे क्या P यहां पे Cl एक दो तीन Cl 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 क्या करना है ये और ये बन गया एक POCl3, तो इसका मतलब H2SO4 प्लस में 2 मोल्स ऑफ PCl5 क्या देगा, दो मोल तो देगा POCl3 के ठीक है, और दो मोल देगा क्या HCl के प्लस में, फिर क्या बन जाएगा तो यहां पर क्या लग गया एक क्लोरीन यहां लग गया एक क्लोरीन यहां लग गया, तो आपके पास क्या बनेगा आपके पास बनेगा HCl Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, या मैं इसको लिख सकता हूं SO2 Cl2, देखो SO2 Cl2, और इस SO2 Cl2 को हम लोग क्या बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड, तो इसका मतलब क्या है कि H2SO4 PCl5 के साथ में क्लोरोसल्फोनिक एसिड या फिर सल्फ्यूराइल क्लोराइड ये दोनों प्रोडक्ट बना सकता है, कहानी क्लियर है कोई इशू नहीं है कर लोगे अच्छे से, मिटा दिया जाए इसको। चलो अब ये तो था किसके साथ में नॉन मेटल ठीक है नॉन मेटल या उनके कंपाउंड के साथ में, अगर मैं मेटल के साथ में रिएक्शन कराऊं इसका इसके साथ में मेटल, अरे हाँ नॉन मेटल के कंपाउंड में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और भी है, एक आईटी एग्जाम में आया भी हुआ, देखो ध्यान से
ये क्या है Na2SO3, क्या है ये Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन अगर आप H2SO4 कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड करवाते हो तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, तो क्या करेगा यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, प्लस फोर होगा, SO3 2 नेगेटिव होता है तो सल्फर प्लस फोर है और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सल्फाइड, ठीक है। तो क्या बनाएगा देखो ध्यान से, ये सल्फाइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, सल्फेट में, तो बनेगा Na2SO4, तो भैया Na2SO4 यहां सल्फर कितना है प्लस सिक्स में आ गया, तो प्लस फोर को प्लस सिक्स में कन्वर्ट कर दिया, हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और खुद क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है कैसे, H2SO3, तो प्लस में क्या हो गया H2SO3, क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरस एसिड, हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब ये जो सल्फ्यूरस एसिड होता है इट इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है, तो हाईली अनस्टेबल है तो क्या होगा H2SO3 ये डीकंपोज होगा क्या स्पॉन्टेनियसली, और डीकंपोज होगा स्पॉन्टेनियसली तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा भैया H2O प्लस में क्या बनाएगा SO2, क्या बनेगा H2O प्लस में SO2 बना देगा, कहानी क्लियर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि तो इसके ऊपर भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, करोगे सोडियम सल्फाइड को H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड क्या बनाता है सोडियम सल्फेट और H2SO3 बनता है सल्फ्यूरस एसिड, एंड सल्फ्यूरस एसिड बीइंग हाईली अनस्टेबल एक्सट्रीमली अनस्टेबल इट डीकंपोजेस स्पॉन्टेनियसली टू गिव यू H2O एंड SO2 सोल्यूशन में ये स्टेबल होता है लेकिन फ्री स्टेट में ये हाईली अनस्टेबल है, ये बात क्लियर है। चलो ये हो गया आगे, अब आगे चलते हैं कौन सा कि मेटल के साथ क्या करेगा, सॉरी देखो ध्यान से भैया, इसको करना तो वही ऑक्सीडेशन का ही है और खुद कौन सी गैस रिलीज करेगा SO2, देखो ध्यान से क्या विद मेटल्स, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने क्या लिया, हमने जिंक लिया, जिंक प्लस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या बना देगा ZnSO4 बना देगा, क्या बना देगा ZnSO4 प्लस में कौन सी गैस SO2 प्लस में वाटर, SO2 तो रिलीज करने ही करनी है इसको, ठीक है। सिमिलरली कॉपर के साथ रिएक्शन करा दो किसका, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या बनने वाला है CuSO4, कॉपर कितना है प्लस टू, क्यूप्रिक सल्फेट या नॉर्मल कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हो, प्लस में SO2 प्लस में क्या वाटर, क्लियर है, ओके कर लोगे। इसी तरह मैग्नीशियम के साथ करा दो, मैग्नीशियम सल्फेट सोडियम के साथ बना दो, क्या बना देगा सोडियम सल्फेट बना देगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट ये तो क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर मैं डाइल्यूट लू तो जिंक प्लस में डाइल्यूट H2SO4 क्या काम करेगा, तो ये हाइड्रोजन गैस को निकालता मेटल के साथ। आपने 8 में या 9 में क्या पढ़ा होगा कि जो एसिड है वो मेटल के साथ में कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन वो एसिड कौन से होंगे डाइल्यूट एसिड होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं देता, ठीक है ना। तो यहां पर ये जिंक डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या बनाएगा ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये क्या बनाता है SO2 गैस को रिलीज करता है। तो मेटल के साथ भी आपने देख लिए कोई इशू नहीं है, उसके बाद लास्ट में क्या जाते हैं इसके यूजेस आ जाते हैं, ठीक है। यूज में क्या है कि भैया इट इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स फॉर एग्जांपल क्या हो गया, क्या हो गया अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, ओके। फिर पोटेशियम सल्फेट, इस टाइप के ये फर्टिलाइजर कुछ बनाता है, कर लोगे। उसके बाद क्या है एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये इसका बड़ा यूज है एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चलो डिहाइड्रेटिंग की बात चली है तो एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि अगर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर उसको मॉइस्ट एयर में खुला छोड़ दे, देखो ध्यान से वो यूज में नहीं पड़ेंगे, क्या लिखेंगे देखो, इन मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर का मतलब जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो मॉइस्ट एयर में ये क्या है फ्यूम्स बनाता है, इट फ्यूम्स, मॉइस्ट एयर में क्या बनाता है फ्यूम्स बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ चिपका के हाइड्रेट बना लेता है, ठीक है, फॉर्मिंग हाइड्रेट्स, हाइड्रेट बना देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो H2SO4 डॉट H2O,
H2SO4.2H2O। तो मॉइस्टर में ये फ्यूम करता है और क्या बना लेता है, ये हाइड्रेट बना लेता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ चिपका लेता है। एग्जांपल H2SO4.H2O, H2SO4.2H2O एक्सेट्रा। तो ये तो था किसके बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से इसको भी स्टडी कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।